अतीत में हरियाणा के कद्दावर नेता रहे वीरेंद्र सिंह निश्चय ही अपनी उपेक्षा से असहाय महसूस कर रहे होंगे। उन्होंने सपने में भी यह सोचा नहीं होगा कि एक अदद टिकट के उन्हें तरसना पड़ जाएगा। याद रहे कि केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह इस बार खुद चुनाव न लड़कर अपने आईएएस पुत्र विजेंद्र सिंह को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सोनीपत या हिसार से टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन पहले नवरात्रों पर भाजपा ने हरियाणा की 8 टिकटें घोषित करके हिसार और रोहतक को होल्ड कर दिया था। रोहतक से भाजपा अरविंद शर्मा को लड़ाने की इच्छुक थी, लेकिन हिसार पर भाजपा की चुप्पी रहस्यमयी बनी हुई है। चर्चा है कि वीरेंद्र सिंह केंद्रीय राजनीति में अविश्वसनीय नेता के रूप में सूचीबद्ध हो गए हैं। गौरतलब है कि कई मौकों पर वीरेंद्र सिंह मनोहर लाल खट्टर को चुनौती देते रहे हैं। हालांकि नाराजगी तो कई मर्तबा राव इंद्रजीत ने भी दिखाई थी, लेकिन उनकी नाराजगी में कभी भी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा नहीं दिखी। जबकि वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कमजोर तक कहकर उनका उपहास उड़ाया। इसके अलावा इंद्रजीत ने अहिरवाल में अपना दबदबा टूटने नहीं दिया। सियासी जानकारों का मानना है कि यदि भाजपा चाहती तो केवल रोहतक को होल्ड पर छोड़ सकती थी, लेकिन हिसार की टिकट भी होल्ड रखने के मायने वीरेंद्र सिंह को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अनुशासन का कड़ा संदेश देना हो सकता है। सिटी तहलका ब्यूरो रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।